ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदसे रूपागियामाना सदश्रोतमनोभिरामा खाद्वश्लोकज्ञानवादान् विरजेत विना पशुघ्नः। निवृता तदसे रूपागियामाना भवो सदश्रोत मनोभिरामत् खात्मश्लोक गुणानुवादत् पुमान विरचित विना पशुघ्नात्। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि श्लोक को कंठस्थ भी करें और इसका जो संदेश है उसका पालन करने का प्रयास करें। ठीक है, अगर हम इस श्लोक के संदेश का पालन करें तो बिना शंका के आध्यात्मिक क्षेत्र में हम सब आगे बढ़ सकेंगे, चाहे हम किसी भी आश्रम में हों। तो इस श्लोक का उच्चारण परीक्षित महाराज जी कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा था, इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने 5.5 पेजेस का तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी जब इस तात्पर्य का डिक्टेशन देते थे तो 2-3 शब्द के बाद वो रुक जाते थे, 2-3 शब्द बोलते थे फिर रुक जाते थे, फिर बोलते थे फिर रुक जाते थे। तो एक समय उनसे उनके सेक्रेटरी ने पूछा कि आप इतने धीमे धीमे क्यों तात्पर्य लिखते हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हर शब्द जो इन तात्पर्य में जाता है उसे भविष्य के 10,000 सालों के लोग पढ़ेंगे, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ कर हर शब्द डालना है इन तात्पर्य में। तो अगर 5-5.5 पेजेस का तात्पर्य है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना समय लगा होगा इस तात्पर्य को देखने में। तो निवृता तर से उपाग्या मानत, परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा प्रगति से किया जाता है और अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये विषय स्थापित किया जा रहा है कि भगवान की महिमा का वर्णन किस रूप से प्राप्त होना चाहिए। भगवान की महिमा का वर्णन हमें गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होना चाहिए और अगर यह किसी प्रमाणिक परंपरा द्वारा प्राप्त हो तो आवश्यक ही इस संदेश का प्रभाव पड़ेगा हर व्यक्ति के हृदय पर। और आप अनुभव कर सकते हो कि आज क्योंकि इन ग्रंथ में जो संदेश है ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हो रहा है, इसलिए आज हम देख सकते हैं कि सारे विश्व में भक्त बन रहे हैं इन ग्रंथों के द्वारा। जैसे कि ये सब पहली बार हमारे ये गौड़ पूर्णिमा फेस्टिवल में कम्युनिस्ट चाइना के भी भक्त आए हैं, सुना लगभग 50 भक्त आ रहे हैं, 25 आ गए हैं, 25 और आ रहे हैं। ये पहली बार है कि कम्युनिस्ट चाइना के भक्त भारत में आए हैं फेस्टिवल के लिए। और ये भक्त मुझे कह रहे थे कि आज कम्युनिस्ट चाइना जैसे नास्तिक देश में यहाँ की अगर सरकार चाहे तो आपको नौकरी धंधे से बंद भी करवा सकती है अगर आप ये वैदिक धर्म का पालन करो, क्योंकि उनके उनके इतिहास में सिर्फ 2 धर्म हैं, क्रिश्चियन और इस्लाम और बुद्धिस्ट। जब भी भक्त आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि ये संदेश जो है गुरु परंपरा द्वारा आ रहा है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं लेते।
तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ये देख सकते हैं कि भौतिक संसार में हर चीज जो है क्षणिक है, थोड़े समय के लिए अस्थाई है, और एक रूप से देखा जाए मिथ्या भी है। मिथ्या का ये अर्थ नहीं कि सब झूठ है, पर यह है अस्थाई या थोड़े समय के। जो मायावादी विचार के व्यक्ति हैं वो हर चीज को त्यागते हैं ये सोचते हुए कि ये मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। पर वैष्णव भक्तों का सिद्धांत है कि ये भौतिक सृष्टि की हर सुविधा क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, और इसका सदुपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान की महिमा का वर्णन वो हर व्यक्ति उठाएगा, केवल वो नहीं जिसकी रुचि हो अधिकतर इन क्षणिक कार्यों में। तो जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति को किसी प्रकार के रोग या बीमारी होती है तो चाहे आप उसे कितना भी अच्छा भोजन दे दो, प्रसाद दे दो, स्वीकार करने के लिए उसका आनंद उसे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनमें बीमारी है। उसी प्रकार ये यहाँ परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान की महिमा का वर्णन का आनंद हर व्यक्ति को आएगा, केवल उनको नहीं जो कि जिनकी रुचि है इन क्षणिक कार्यों में। और आगे वो ये भी कह रहे हैं कि भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे भज जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में जो फंसे हैं भज जीव, उनके लिए औषधि क्या है? भगवान की महिमा का गुणगान। भगवान की महिमा के गुणगान में हम सबको रुचि लेनी चाहिए, और यही एक औषधि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। इस विषय पर प्रहलाद महाराज जी की भी शिक्षा हमें प्राप्त होती है सातवें स्कंद में, जहाँ की प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो तुलना करते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र की एक पहिए के साथ। वो कहते हैं जो पहिया है वो घूमते जाता है, एक मिनट के लिए नीचे होता है, फिर वही जो नीचे था वो ऊपर हो जाता है, फिर नीचे होता है, और ये पहिया घूमते रहता है। तो प्रहलाद महाराज जी का कहना है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, और ये जन्म मृत्यु का चक्कर कब रुकता है? केवल जब रुकता है जब आप परम भगवान के साथ जुड़ो सेवा के माध्यम में। परम भगवान के साथ जब आप जुड़ते हो सेवा के माध्यम से, तब ही ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ये बंद होता है। तो दूसरे शब्दों में, जैसे कि यहाँ परीक्षित महाराज जी हमें उपदेश दे रहे हैं कि यही है असली औषधि। जैसे कि हर बीमारी का कोई इलाज होता है, तो इस जन्म मृत्यु के चक्र का इलाज क्या है? कि हम भगवान की महिमा का गुणगान में रुचि लें। असली समस्या, अगर आप किसी साधारण व्यक्ति से पूछो कि आपकी दृष्टि से असली समस्या क्या है, तो कहेंगे आर्थिक समस्या या किसी प्रकार की भौतिक समस्या की चर्चा करेंगे। पर हर प्राणी मात्र के पास जो असली समस्या है वो यह है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना। और चैतन्य महाप्रभु जी भी इस विषय में कहते हैं, शास्त्र के बिल्कुल प्रथम श्लोक में, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो कह रहे हैं, इसी विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी भी, वो कह रहे हैं कि ये हरि नाम के उच्चारण का एक और लाभ यह है कि इसके द्वारा आपको असली विजय या जीत प्राप्त होगी, और वो विजय है जन्म मृत्यु के चक्कर से। तो यहाँ परीक्षित महाराज स्थापित कर रहे हैं
कि यही है असली औषधि या यही है असली उपाय। और अतएव भगवान की महिमा का सुनना कसाई या अपने को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त कौन नहीं चाहेगा। तो जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसका दुरुपयोग करता है भौतिक कार्यों में, वो व्यक्ति एक रूप से आत्महत्या कर रहा है, या ईश्वर परिषद में कहा गया है आत्महना। तो भगवान के महिमा के गुणगान में वो व्यक्ति रुचि लेते हैं जो कि क्षणिक कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं, या दूसरे शब्द में जिनकी भौतिकता में अधिक रुचि नहीं हो। और हमें भगवान की महिमा के गुणगान में ही रुचि लेनी चाहिए, ये आवश्यक है अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें। तो हर भक्त जो कि इस संस्था से जुड़ता है, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में हो चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, हम सबका असली उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान की महिमा के वर्णन में हम रुचि रहें। दूसरे शब्दों में श्रवणम और कीर्तनम में एक रुचि लें। श्रवणम कीर्तनम में रुचि लेना हम भक्तों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसी के माध्यम से हम परम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। और इसमें जितनी अधिक मात्रा में रुचि लेंगे उतनी ही तेजी के साथ जो हमारे शत्रु हैं आध्यात्मिक जीवन के, जिन्हें हम काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर्य के नाम से जानते हैं, ये जो धूल है ये दूर होगी। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस विषय में कहा है, चेत दर्पण मार्जनम। भागवतम में हम देखते हैं कि इस विषय पर बल बार बार दिया जा रहा है अलग रूपों से। ये जो श्लोक हमने आज की चर्चा के लिए चुना, ये श्लोक आपको प्राप्त हो रहा है दसवें स्कंद में। प्रथम स्कंद में भी इसी विषय पर बल दिया गया है, शर्वता स्वागत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन सतम। वहां भी प्रथम स्कंद में भी कहा गया है कि भगवान के दिव्य नामों में हमें रुचि लेनी चाहिए, यही है कि औषधि हृदय की मैल को दूर करने के लिए। और अगर आप ध्यान से अगर गिनती करोगे तो आप देखोगे कि बारंबार अनेक भक्त भागवत में ये स्थापित कर रहे हैं कि हमें इस माध्यम का, इस साधन का लाभ उठाना चाहिए। तो आप पूछना चाहोगे क्यों, क्या कारण है? कारण यह है कि ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, और अगर हम बार बार सुनेंगे तो वह हमारे हृदय में बैठेगा, स्थापित होगा। और अगर हम नहीं सुनेंगे तो इसका जो महत्व है वो हम भूल जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने गीता में समझाया है, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं, रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम, कि बार बार सुनने से ये जो विचार है ज्यादा गहराई से हमारे हृदय में बैठता है। गोविंद दास जी बाजा होरे मना प्रार्थना में कहते हैं कि जो जीवन है किसी समय भी समाप्त हो सकता है, और वो तुलना करते हैं कि जैसे पानी का एक बूंद हो पत्ते में, किसी समय भी वो पानी का बूंद नीचे गिर सकता है। तो कहते हैं बाजा हरि पादा नितिरे, किसी न किसी रूप से हरि के शरणागत हो जाओ। तो हरि के शरणागत होने का साधन क्या है, वो क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम। गोविंद दास जी हमें उपदेश देते हैं श्रवणम कीर्तनम का। तो हमें किसी न किसी रूप से इस माध्यम में अधिक से अधिक मात्रा में रुचि लेनी चाहिए। चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो कि जब चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत गए थे
तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध भक्त रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे, और एक प्रश्न ये था कि हमें कौन सा गीत निरंतर गाना चाहिए, कौन सा गीत, ये था प्रश्न। तो रामानंद रॉय ने कहा कि हमें उस गीत का उच्चारण करना चाहिए जिससे राधा कृष्ण की प्रशंसा हो, वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि इस हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से हम राधा कृष्ण की महिमा का की प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमें भगवान की महिमा में रुचि लेनी चाहिए। आप रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि शुरू शुरू में बेशक रुचि नहीं आएगी, जैसे कि आपको जब जॉइंट की बीमारी हो तो आपको अगर मीठा गन्ने का रस भी दिया जाए तो आपको इसका अधिक मीठापन महसूस नहीं होगा, बिल्कुल मीठापन नहीं महसूस होगा। पर जैसे आपकी रोग बीमारी दूर होगी उतनी मात्रा में जो गन्ने के रस का मीठापन है वो भी हमें महसूस होएगा। तो दूसरे शब्दों में जब हम भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं या हरि नाम का उच्चारण आरंभ करते हैं शुरू में बेशक आनंद नहीं आएगा, पर अगर हम नियमित रूप से भगवान की महिमा में रुचि लेते जाएं तो फिर तेजी के साथ आनंद भी आएगा, हृदय की मैल भी दूर होगी और हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि भौतिक संसार में असली सुख असंभव है, तो भौतिक संसार के क्या लक्षण हैं, दुखालय और अशाश्वत। तो भगवान की महिमा में हमें रुचि लेनी चाहिए, और जैसे कि श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि बखेरा भागवत का संदेश सुना जाए, खास करके उन व्यक्तियों के द्वारा जो कि गुरु परंपरा में आ रहे हैं, तो इसके द्वारा हृदय की मैल भी निकलेगी और भक्ति की जो भक्ति भावना है हृदय में स्थापित होगी। तो ये आवश्यक है कि हम ये ज्ञान जो स्वीकार करें हमें उनके द्वारा प्राप्त करना चाहिए जो कि परंपरा पद्धति में आ रहे हैं। अब इसी विषय को लेकर प्रभुपाद जी तात्पर्य में अनेक विषयों की चर्चा करते हैं, जैसे कि सबसे आरंभ में वो कहते हैं कि भारत में आज के जमाने में भी चाहे वातावरण इतना पतित हो गया है, पर आज के वातावरण में भी जहाँ भागवत और गीता का संदेश की चर्चा की जाती है अनेक लोग वहाँ आकर्षित होते हैं सुनने के लिए। पर क्योंकि भारत में भी लोगों में लोग इस शिक्षा के महत्व को समझते हैं, पर हमें कृष्ण कथा को प्राप्त करना चाहिए किसके द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा, और कृष्ण कथा में रुचि लेना हम सबके लिए ही असली औषधि है। अब कृष्ण कथा में रुचि लेना हमारा उद्देश्य है, भक्तों का ये भाव होना चाहिए कि श्रवणम कीर्तनम में हम अधिक रुचि ले, किस प्रकार भक्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हो और कैसे भक्ति में अड़चन आ सकती है। तो इस विषय में रूप गोस्वामी जी ने क्या कहा है, अत्याहरा प्रयश्र प्रजल्प 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 का क्या अर्थ है, उस विषय की चर्चा जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो, भौतिक विषय की चर्चा, और भौतिक विषय की चर्चा के द्वारा भक्ति की जो भक्ति के मार्ग में अब आगे नहीं बढ़ सकते, प्रजल्प से हमें बचना चाहिए। और प्रजल्प की बजाय किसका लाभ उठाना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम या कृष्णा कथा। कृष्णा कथा का अर्थ है भगवान के संदेश की कथा करना,
कृष्णा की लीलाओं का, कृष्णा के उपदेश का, कृष्णा के शिक्षा का। जैसे जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने साथियों को कहा घर घर जाकर प्रचार करो, उस दिन नित्यानंद त्रयोदशी में हम आपको समझा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद जी और अपने साथियों को क्या कहा, घर घर जाकर उपदेश दो। क्या उपदेश? भजो कृष्ण, कृष्णा के नाम का भजन करो, फिर कृष्णा की पूजा करो, फिर कृष्ण की शिक्षा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, I'm alive.